जी आज बहुत दिन दिन है मेरे लिए, ये मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ और हमेशा करता रहता हूँ, लेकिन आज ये बुक और बैग बांटते समय कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी माँ का साया मुझसे दूर है और मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ की विधि और सब जो होना था वो तो हमने सब किया ही है, लेकिन ये बुक और बैग बांटने का मेरा सोल मकसद ये है कि शायद इनमें से भी किसी की दुआ लगे और मेरी माँ को जन्नत नसीब हो, उसकी आत्मा को शांति हो। और मेरी माँ ने सिखाया था, मेरी माँ खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिखाया था कि अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने संकल्प के रूप में भी लिया है कि माँ अगर मेरी नहीं भी है तो भी इस कार्य को मैं करता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। 100% माँ को सबको मानना चाहिए, क्योंकि माँ तो ऐसा कर्ज है, माँ के दूध का कर्ज अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो वापस कर सके। और मेरी तो अब गुजारिश ये है कि जब मैंने अपनी माँ को खोया तो मैंने ये देखा कि आज जितने लोग व्यस्त हैं या माँओं से दूर रहते हैं, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी माँ से कम रोज़ मिलने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसी शक्ति है जो एक बार चली जाती है तो दोबारा वापस नहीं आती है, लेकिन वो शक्ति जाके भी मेरे अंदर है। मैं ये जो अपना काम करता हूँ ये करता रहूँगा और मेरा जो टारगेट है 50,000 बच्चियों को पढ़ाना, उनका फीस भरना, उनको लिए जितना कर सकना वो मैं करूँगा ही करूँगा, ये मेरी माँ से मेरा वादा है। आज हम लोग 3,000 लोगों को बुक और बैग सब कुछ बांट रहे हैं, इसको लेकर हम टोटल अभी तक 25,000 लोगों को बांट चुके हैं और आगे और 25,000 का टारगेट है जिसको हम पूरा करेंगे। और पूरा करने के बाद फिर हम दिसंबर या जनवरी से हम 500-500, 200-200 करके एक लिस्टिंग करके लोग बच्चों की फीस भरना भी शुरू करेंगे। ये हमारा संकल्प है।